आइए राजू भैया जी, आपके लिए सादा सा गीत है, वो आप लोगों के लिए सुनेगा। सुने फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या बच्चे, कहेंगे राजू भैया कहेंगे जय कन्हैया लाल की। सिद्धारण भैया, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं साल की, जय हो। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या, अरे तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। ये तर्ज है मर्द सुनेगा, राम के बिना कोई धनुष नहीं तोड़ सकता था, सही है। राम के बिना कोई, हमें विश्वामित्र जी कह रहे हैं इन राक्षसों से हमारे यज्ञ को सुरक्षित नहीं कर सकता था, तमाम काम है राम के बिना नहीं हो सकते हैं। लेकिन राजू भैया, राजू भैया सौभाग्य से एक बात और कहें, ये तो राजू भैया है, हमारे पिताश्री का नाम भी राजू है। वाह बेटे वाह, बड़ी भाग्यशाली लड़की हो बेटा तुम। गीत को सुनेगा, सुने मैंने कहा था मस्ताना मस्त बजा ताली, करे थे ये करे थे मस्ताना ताली बजा, नहीं मैंने ये कहा था मस्ताना होके मस्त बजा ताली। वो लंका जला डाली, वो बजरंगी मस्त होकर के ताली बजा रहे हैं राम के मस्ताने। क्या सुने, सुनिए फिर मेरे गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा राजू भैया जी, गीत में कुछ मिलेगा मिलेगा। ये लोग इतनी सर्दी में आकर के बैठे हैं, इनको कुछ मिलना चाहिए। और क्या, कलाकार एक दूसरे के फंसाने के लिए नहीं, इनको हंसाने के लिए गाए। वाह सुने गए, सुनिए। अरे जाके मत सागर जलाए लंका, कहने लगे हे हनुमान, हे हनुमान जाके मत सागर, जाके मत सागर जलाए लंका। और इतना ही नहीं, प्रभु नाम का तुम बजाए डंका, सियाला बताता सियाला
पवन के समान जाना सभी चाहते थे, मगर जा सका ना कोई तुम्हारे सिवा। अमर वरदान पाना सभी चाहते थे, मगर पा सका ना कोई तुम्हारे सिवा। एक टुकड़ा और सुनिएगा, कह रहे हैं हनुमान इतना ही नहीं, जाके द्रोण चल से लाए सजीवन, सबको पता तो बूटी श्रीमान लाना कौन नहीं जाता था राम के दुख को देख करके। बूटी श्रीमान लाना सभी चाहते थे, मगर ला सका ना कोई तुम्हारे तेरा। आखिरी टुकड़ा और सुनिएगा, प्रभु चरणों के तुम्हें अनुरागी, अरे हे हनुमान, नहीं बड़े भागी नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं आप जैसा कोई बड़ो भागी, और प्रिय आपको है, प्रिय आपको बस राम कथा, राम चरित सुनबे रसिया राम लखन सीता मन बसिया, प्रिय आपको बस राम कथा। तो प्रभु गुणगान गाना भी चाहते थे, मगर गा सका ना कोई तुम्हारे तुम्हारे सिवा। बोल कन्हैया लाल की जय, बोल बालाजी सरकार की जय। आइए चलते चलते एक बहुत बहुत धन्यवाद है, मध्य प्रदेश से चल करके आई जो हर जगह पर नाम है सम्मानी महान कीर्तनकार कल्पना द्विवेदी जय है। चलिए मैंने कुछ गाया, कह रही थी बहन मान लो, चलिए कोई बात नहीं मैं बहन मान रहा हूँ, लेकिन आपने कहा वाह भाई वाह भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, चलिए कोई बात नहीं है अब रक्षा बंधन तो आने दो, लेकिन एक बात जब बात एक ये आई कि आपको जिस युग से बात चल रही है वहां पर चलना चाहिए, और यहाँ पर विद्वान विराजमान हैं, जब मेरी राम
रामचरित मानस से बात चल रही थी, एक ही श्रोता एक ही वक्ता, तो आप पहुंच गई तारा, वो तीनों काशी बिक रहे ना, यानी क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, कहां चली जो भी आप कहो वो आपका सही है, हम कहेंगे वो बिल्कुल गलत गलत है। अरे छोड़ो छोड़ो, राखी का उपहार लाएंगी, डिब्बा भी लाएंगी, तब होगा। बस मैं जो कुछ आप कह रही हैं, हाँ बहुत ही सुंदर कह रही हैं। क्या? क्योंकि हम इतने बड़े कलाकार हैं नहीं ना बेटा, इसलिए आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। राजू भैया मैं आपको एक सलाह देती हूँ, एक स्वर नीचा गाओ, ये भी हम आपकी बात मानेंगे, जो आप कहेंगी वो जरूर, वो पूरी रात हम आपकी ही मानेंगे, लेकिन हम जो कहेंगे उसको तुम बिल्कुल मत मान लो ना, क्योंकि हमारे ये अतिथि कलाकार हैं, ये हमारा दरवाजा है। बहुत सुंदर बात लेकर के आई है कल्पना जी, हमें तुमसे प्यार कितना, क्यों बे ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें कितना प्यार तुमसे ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार तेरा हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दिखाया दे रे पवन के समान जाना चाहते थे, पर जा सकाना तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा। अब मेरी तरफ से राम ने भरत से कहा, क्या राम ने
भरत से कहा, कभी पर करने कभी चुपने के चुपाना मुश्किल समय कभी कभी मौझ के ना क्यों कभी मैं ये पर नहीं झुका सकता क्यों सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि देखिए अपने स्थान से उठ के ना जाएं। ये आपके गांव का कार्यक्रम है, आपके पास का कार्यक्रम है। यदि आप इस तरीके से सभी लोग उठ के अपने अपने घरों को चले जाएंगे तो यहाँ श्रोता नहीं होंगे तो कार्यक्रम में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बस जो लोग जा रहे हैं कार्यक्रम में बीच में उठ के, सभी से अनुरोध है कि अगर समय हो, क्योंकि रोज रोज कार्यक्रम नहीं होते, सालों में कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। सभी से अनुरोध है कि कृपया अगर समय हो तो समय सुबह तक कार्यक्रम चले, निर्णय तक। अभी बहुत कुछ बाकी है। कल्पना जी आई है मध्य प्रदेश से, बहुत सुंदर कुछ सुनाएंगी अभी, क्योंकि आपने पूरी रात बहुत टाइम दिया है। हाँ, ये भी हम लोगों दोनों ही कलाकारों द्वारा जो भी आपको सुनाया जा रहा है, क्योंकि और अच्छा भी सुनने को आपको कुछ मिलेगा। हाँ, अब इधर से केवल जवाब की कोशिश है, जो कल्पना जी ने गाया उसका इधर से जवाब है। इधर भगवान राम भरत से कह रहे और इधर भरत से कहने लगे कि वो तुम्हारा ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। क्यों है? किसका है ऋण? क्योंकि बजरंग बली स्वयं ऐसे है कि उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। तब तब हुआ क्या? ना तो पास काटे जो नागोपा से काटे जो क्यों सभी चाहते मकर काट ना सके कपि के बिना। नाग बांस बिना कपि के बिना नहीं काट पाए, जय हो, मगर काट पाए सकीना क्यों कपि के बिना। अब दूसरा प्रसंग है, अहे रावण पाताल, अहे रावण जब पाताल ने समाया तो कपि पर हमको ढूंढ करके लाया, स्वयं कपि पर ही हमको ढूंढ करके लाया, इसलिए तो पाताल लोक जाना सभी चाहते मगर जा सके कपि के भी।